TV20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 9415207728। प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की जांच में टीम पहुंच गई है। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से, जहां विकासखंड अतरौलिया के मुंडेरा ग्राम पंचायत निवासी भैरवनाथ द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ को शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास में अपात्रों को पात्र बनाकर आवास देने का काम किया गया है एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ नए नाम जोड़ने का काम किया गया है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी को गांव में भेजकर जांच कराई गई। प्रार्थी भैरवनाथ द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री आवास प्लस की पल्स की सूचना प्राप्त कर जिलाधिकारी से प्रार्थना पत्र दिया गया था। जांच करने पर 48 लोगों का नाम आवास प्लस सूची से काटकर 24 लोगों का नाम पात्रता सूची में शामिल किया गया था, जो 24 लोगों के नाम की आवास प्लस की सूची प्राप्त हुई है। कुल आवास प्लस पात्रता सूची 89 है, जिसमें 11 लाभार्थियों का आवास दिया गया है। प्रार्थी भैरवनाथ द्वारा पूर्व के ग्राम सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया कि आवास योजना के नाम पर भारी अनियमितता बरती गई है। अपात्र लोगों को आवास दिया गया है जिनके पास पक्का मकान भी है तथा एक ही घर के में अलग अलग नाम से कई आवास आवंटित किया गया है। प्रार्थी भैरवनाथ द्वारा निम्नलिखित 7 बिंदुओं पर जांच कराई गई, इसकी रिपोर्ट नामित नोडल अधिकारियों द्वारा शासन को प्रेषित की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि जांच अधिकारी में एडीओ एजी अली अहमद व शिकायतकर्ता भैरवनाथ ने क्या कुछ कहा। किस बिंदु पर शिकायत थी इसके बारे में बताइए। मेरी शिकायत सब की अपात्रों को आवाज दिया जा रहा है, भरपूर पूरे धांधली हो रही है। मैं इसके कारण संबंध में जहाँ जिलाधिकारी महोदय को 8/3/2021 एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। जो कोई जांच नहीं, जो भी जांच हो रही है अपने जाँचकर्ता महोदय लिख रहे हैं कि सब नाम काटते चले जा रहे हैं। 48 लोगों को आपात बनाकर बनाने के बाद भी रिपोर्ट लिखा रहे हैं कि शिकायत निराधार है। तो मेरे कारण में तो शिकायत निराधार, तो आधार का किस आधार से आपने 48 लोगों का नाम काट दिया? और धनंजय यादव सीईटी महोदय ने ये सूची बनाई थी, ये अपातों की सूची बना करके इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं अब तक की गई? इतने लोगों के आपास अपात्रों का नाम शामिल करते हुए लगभग आपके गांव में कितने पात्र लोग होंगे कि इनको आवास नहीं मिला है? लगभग हमारे गांव में पात्र लोग मुश्किल से होंगे, कभी अधिक से होंगे 40 लोग होंगे। उनको आवास मिला कि नहीं मिला है? उसमें कुछ लोग पाए हैं और कुछ लोगों को तो छोड़ ही दे, नाम नहीं लिखे हैं, चिन्हित नहीं किया गया। पक्षपात पूरी तरह से कि मेरे गाँव से वहां किया गया है। और इसके बाद कहना कि 21 नए नामों को जोड़ भी दिया गया है। जैसे कभी आप बता रहे थे किसी को आवास मिला है फिर दोबारा मिला है, या तो फिर किसी का मकान बना है उसको आवास मिला है, क्या है? तो इसमें कहना कि अधिकांश लोगों के पास कहना मकान पहले से बना था, उसी मकान को दिखा करके फिर आवास ये लोग दे दिए। पुराने मकान को दिखा करके और नए मकान जो बने पहले थे उसको नहीं दिखा करके छिपा करके आवास दे दिए गए। उनके पास दो दो जब दो मकान है, दो जगह मकान है, ये जगह पुराना है ये नया है, और पक्का मकान को नहीं दिखा, पुराने मकान दिखा के आवास दिया जा रहा है। तो ये किसके कार्यकाल में था, किसके कौन अधिकारी थे, कौन प्रधान थे, किसके कार्यकाल में था? ये कार्यकाल का नाम रामप्यारे काना की दलित है, हमारे प्रधान थे 2018 में और 21 में। इसके बाद यह कहना कि ये नए प्रधान आए हैं जो हुए हैं गीता श्रीवास्तव जी, इनके कार्यकाल में भी जांच हो रही है और ये जांच जो है पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त है। और ये सिटी महोदय जो इस समय जो राजकुमार जी हैं, ये इसके इतने अप्लीकेशन देने के बाद भी ये भरपूर तरह से जिसके पास पक्का मकान उसको आवाज दे रहे हैं। तो पुराना कौन सेक्रेटरी था कि इतने धांधली किया है आपने? धनंजय यादव थे जिन्होंने कहना कि धांधली किए है। एक पंचायत अश्विन कुमार यादव ने रिपोर्ट लगाया, बार बार लगाया कि कहना कि रिपोर्ट निराधार है, शिकायत निराधार, शिकायत की जो है। इसके बाद भी नाम काटते चले जा रहे हैं, शिकायत निराधार करते जा रहे हैं। अभी हमने देखा आपके पास कई जगह प्रार्थना पत्र दिए हैं, तो बना प्रार्थना पत्र आज शिकायत जो जाँच करने आए थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सब जाँच किए लोग हैं, कहेंगे इसको जो कहना कि जो भी है सब हम जांच के लोग कर रहे हैं और सही ढंग से रिपोर्ट लगाएंगे। और उनको मैं सब मकान को दिखाया, 21 नए नामों को भी जोड़ दिया गया इस कहना दिसंबर के बाद से। और मैं बांसपी के साथ भी एप्लीकेशन दिया हूँ कहना मुख्य विकास अधिकारी महोदय को, और इसके बाद एप्लीकेशन दिया हुआ एप्लीकेशन भी दिया हूँ, और DM को 3 बार दे दिया हूँ कहना कि 3 अगस्त 2021 से और 31 मुंडेरा गांव में 7 बिंदु पे शिकायत हुई और आज आप लोग आए हैं शिकायत का निस्तारण देखने, जांच करने के लिए, क्या है ये इसके बारे में? हाँ, इसकी शिकायत मिली है और शिकायत के अनुसार यहाँ हम लोग जांच कर रहे हैं, चल रही है और उसके आगे जैसा डिसीजन लिया जाए। तो ये किसके तरफ से जांच कर दी गई? ये आप क्या नाम भैरवनाथ की तरफ से दिया कंप्लेंट किया गया है और उनके आधार पर ही यहाँ जाँच चल रही है।